नमस्कार साथियों, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक अपील को डिसाइड करते हुए पैरोल और फर्लो के बीच में डिफरेंस को एक्सप्लेन किया है। चलिए जानते हैं इसके बारे में ब्रीफ में। ये केस स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस नारायण साई का था, जिसको सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस चंद्रचूड़ और जस्टिस नागरत्ना की डिवीजन बेंच ने डिसाइड किया था। केस के ब्रीफ फैक्ट्स ये थे कि नारायण साई, जो कि रेप केस में 2014 से ही जेल में सजा काट रहा है, उसने गुजरात के डीजीपी के पास एक एप्लीकेशन लगाया था कि उसको कुछ वक्त के लिए जेल से बाहर छोड़ा जाए, जिसको फर्लो कहा जाता है। और इस एप्लीकेशन को डीजीपी ने रिजेक्ट कर दिया था, जिसके बाद नारायण साई हाई कोर्ट में चला गया था और हाई कोर्ट ने उसको 2 हफ्तों के लिए फर्लो ग्रांट कर दिया था, जिसके बाद स्टेट ऑफ गुजरात सुप्रीम कोर्ट में चली गई। फर्लो और पैरोल पर जो प्रेसिडेंट है उसको रेफर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि एक बैलेंस मेंटेन करने की आवश्यकता है दो अपोजिट ऑब्जेक्टिव में। पहला, जो कैदी है उसको सुधारने के लिए जो प्रयास किए जाते हैं और जिसमें उनको पैरोल या फिर फर्लो दिया जाता है, और दूसरा, जो पब्लिक इंटरेस्ट उस केस में शामिल है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने पैरोल और फर्लो के बीच में डिफरेंस को एक्सप्लेन करा। सबसे पहला, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि फर्लो और पैरोल का जो पर्पस है वो ये है कि कुछ वक्त के लिए कैदी को जेल से बाहर छोड़ा जाए, लेकिन जहां एक तरफ पैरोल उस सिचुएशन में ग्रांट किया जाता है जहां पर कैदी को कोई स्पेसिफिक कार्य करना होता है जिसके लिए उसका जेल से बाहर जाना जरूरी है, जैसे कि उसके माता-पिता की तबीयत खराब है या फिर उनकी मृत्यु हो गई है या फिर कोई फैमिली फंक्शन है जहां पर उसकी उपस्थिति आवश्यक है। वहीं दूसरी तरफ फर्लो कुछ सालों के अंतराल के बाद कैदी को दिया जाता है और इसमें किसी भी वजह की आवश्यकता नहीं होती। पॉइंट नंबर 3 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फर्लो ग्रांट करने का जो मोटिव है वो ये है कि जो कैदी इतने सालों से जेल में रह रहे हैं, तो उस मोनोटोनी को तोड़ने के लिए कन्विक्ट को कुछ टाइम पीरियड के लिए बाहर छोड़ा जाता है ताकि वो अपनी फैमिली लाइफ और सोसाइटी के साथ समन्वय बना सके। आगे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हालांकि फर्लो के लिए किसी भी वजह की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन कैदी के पास कोई भी एब्सोल्यूट राइट नहीं है कि वो उसको एज अ मैटर ऑफ राइट क्लेम कर सके। और पॉइंट नंबर 5 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फर्लो ग्रांट करते वक्त ये देखना आवश्यक है कि इसकी वजह से पब्लिक इंटरेस्ट किसी भी प्रकार से वायलेट ना होते हो, और जो सर्टेन कैटेगरीज ऑफ प्रिजनर्स हैं जैसे कि टेररिस्ट या फिर एंटी सोशल एलिमेंट्स, उनके केसेस में उनको फर्लो ग्रांट नहीं किया जा सकता। आगे सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे फर्लो एंड पैरोल रूल्स को रेफर करते हुए ये कहा कि इन रूल्स में किसी भी प्रकार से ये इंडिकेशन नहीं है कि प्रिजनर्स के पास एज अ लीगल राइट क्लेम करने का अधिकार है कि उनको फर्लो पे छोड़ा जाए। और फर्लो ग्रांट करने के लिए स्पेसिफिकली 2 रूल्स हैं, रूल नंबर 3 और रूल नंबर 4, जहां एक तरफ रूल नंबर 3 में क्राइटेरिया बताए गए हैं कि कौन से केसेस में फर्लो ग्रांट किया जाएगा, वहीं दूसरी तरफ रूल नंबर 4 में लिमिटेशन को इम्पोज किया गया है, यानी कि कौन से केसेस में फर्लो को ग्रांट नहीं किया जाएगा। और रूल नंबर 3 में स्पेसिफिकली ये लिखा हुआ है कि ही मे बी रिलीज्ड, यानी कि यहाँ पर किसी भी प्रकार का एब्सोल्यूट राइट नहीं है। और रूल नंबर 17 में साफ तौर पर यह बताया गया है कि फर्लो का राइट एज अ लीगल राइट नहीं है और प्रिजनर उसको क्लेम लीगल राइट की तरह नहीं कर सकता। फिर सुप्रीम कोर्ट ने जेल सुप्रिंटेंडेंट के द्वारा
जो रिपोर्ट दिया गया था जिसमें जेल सुप्रिटेंडेंट ने नेगेटिव ओपिनियन दिया था और ये कहा था कि जो रिस्पोंडेंट है नारायण साईं, इसके पास मोबाइल फोन है जिसके जरिए वो जेल में रहते हुए भी इलीगली बाहर की दुनिया के साथ संपर्क रखता है। और 8 मई वाले इस ऑर्डर में ये साफ तरीके से बताया गया था कि क्या क्या सर्कमस्टांसेस हैं जिसके बेसिस पे रिस्पोंडेंट को फर्लो पे नहीं छोड़ा जा सकता। इसमें ये कहा गया था कि अगर रिस्पोंडेंट को फर्लो पे छोड़ा गया तो उसकी वजह से जो पब्लिक पीस है वो बाधित होगा, क्योंकि अगर उसको फर्लो पे छोड़ा गया तो उसकी वजह से जो इस केस में कंप्लेनेंट है और जितने भी गवाह हैं जिन्होंने उसके खिलाफ ट्रायल के वक्त गवाही दी थी, उनकी जान को खतरा होगा। रिपोर्ट में ये भी कहा गया था कि जब इन्वेस्टिगेशन चल रहा था तब जितने भी इन्वेस्टिगेटिंग टीम के मेंबर थे और जितने भी विटनेसेस थे उनको डराया और धमकाया गया था ताकि इस मामले को दबा दिया जाए। आगे ऑर्डर में ये भी कहा गया था कि रेस्पोंडेंट और जो उसका फादर है आशाराम, इन दोनों के ही लार्ज स्केल पे फॉलोवर हैं जिनकी वफादारी उनके प्रति है, और अगर इनको फर्लो पे छोड़ा जाता है तो इसकी वजह से एक संभावना है कि जो पब्लिक पीस और ट्रैंक्विलिटी है ये बाधित होगी। हालांकि इसी साल रेस्पोंडेंट को पैरोल पे छोड़ा गया था क्योंकि उस वक्त उसकी माँ की तबीयत ठीक नहीं थी। इन सारे सर्कमस्टांसेस को रेफर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि हाई कोर्ट ने जितने भी रीजंस दिए हैं हम उनके साथ सहमत नहीं होते, और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के ऑर्डर को सेट असाइड कर दिया, यानी कि जो फर्लो का ऑर्डर था उसको निरस्त कर दिया। और लास्टली इसी प्रकार की लेटेस्ट अपडेट के लिए विधि गंगा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करना ना भूलें।